हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर के सेकेंड टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, कंपैरिजन, देखिए पहले आप समझिए ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर, देखिए कंपैरिजन वर्ड आ रहा है तो कंपैरिजन करने का मतलब क्या होता है, तुलना करना, कंपेयर करना। तो हम यहाँ किसका कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स से कुछ वैल्यू असाइन कराएंगे और उन वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। तो उन वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स प्रोवाइड होते हैं जिनकी हेल्प से हम उन वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ऑपरेटर बताया हुआ है, जो पहला ऑपरेटर है वो है इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है ये चेक करता है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू, राइट साइड के वेरिएबल की वैल्यू और लेफ्ट साइड के वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, ठीक है। इक्वल होने पे हमको ये लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करता है, इसकी वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हमको रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। ये सेकंड है नॉट इक्वल टू, ये चेक करता है कि वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होने पे ट्रू अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही थर्ड है लेस देन, ये चेक करता है वैल्यू लेस है कि नहीं, ये चेक करता है वैल्यू ग्रेटर है कि नहीं, ये चेक करता है लेस या इक्वल है कि नहीं, ये चेक करता है ग्रेटर या इक्वल है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, इतने सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ इन ऑपरेटर्स को आप प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, जैसे पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने एडिशन ऑपरेशन देखा था, तो इसी प्रोग्राम में मैं एडिट करके इस कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि वेरिएबल्स, मान लीजिए हम यहाँ पर वैल्यू ही यूज कर ले रहे हैं। वेरिएबल है हमारे पास दो, एक ए है और एक बी है, जिसमें ए की वैल्यू मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ 10 और बी की वैल्यू मैं दे दिया हूँ 20। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ठीक है। कंपेयर करने के लिए जो मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाया है, आप चाहें तो इस एक कंपेयर करके रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कराएं, देन उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करें, या तो डायरेक्ट भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर ले रहा हूं, ठीक है, रिजल्ट नाम से ही मैं एक वेरिएबल बना ले रहा हूं। और यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन सारे जो भी कंपेरिजन ऑपरेटर्स है उसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं ए इक्वल टू बी, ठीक है, ये फर्स्ट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि ए और बी, ये जो दो ऑपरेटर हैं, सॉरी दो वेरिएबल हैं, तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि वैल्यू इक्वल है कि नहीं। इक्वल होगा तो हमको क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। तो ट्रू वैल्यू पास हो जाएगी रिजल्ट के अंदर और हम प्रिंट करेंगे तो हमको मिलेगा ट्रू, अगर इक्वल नहीं होने पर हमको मिलेगा फॉल्स, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डबल ब्रैकेट के अंदर हम लोग पहले तो न्यू लाइन के लिए हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं बी आर ब्रेक टैग। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ए और बी इक्वल है कि नहीं। तो मैं मैसेज भी दिखा दे रहा हूँ ए इक्वल टू बी, इस चीज को हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं और यहाँ पर रिजल्ट रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। चलिए मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ आउटपुट किस टाइप से दिखाई देगा। सेव किए, ये अपना ब्राउजर जो है उसको ओपन कर लेते हैं। ये अपने से ब्राउजर, इसका आउटपुट स्क्रीन ओपन हो गया है। ये डेमो 1.html फाइल है, इसका मैं यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखिए आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए इक्वल टू बी फॉल्स, मतलब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो 10-20 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए कंडीशन क्या आ जा रहा है, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं इक्वल टू का भी यूज कर ले रहा हूँ, देन सेव किए, रीलोड करते हैं। अब देखिए अब आपको आउटपुट में ठीक मिल रहा है, ठीक है। शायद उसको आपको ब्रैकेट में भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली यहाँ पर समझ में आ सके। देखिए फर्स्ट ऑपरेटर यूज किए ए इक्वल टू बी, तो ए और बी इक्वल नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है, फॉल्स, ठीक है। चलिए ऐसे ही बाकी सारे ऑपरेटर्स को भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल जेड, यहाँ से इसको हम लोग कॉपी किए, देन यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो यहाँ पर हम लोग इक्वल टू चेक किए, सेकेंड यहाँ चेक कर लेते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल होगा तो हमको यहाँ प्रिंट कर, सॉरी नॉट इक्वल होने पे प्रिंट करेगा ट्रू और इक्वल होने पे प्रिंट करेगा फॉल्स। वैसे ही सेकंड है लेस देन, ठीक है, यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ लेस देन। साथ में यहाँ पर ऑपरेटर भी चेंज करते चलते हैं, मैसेज यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू का है और ये हमारा जो है लेस देन चेक करेगा, यहाँ पर लेस देन।
और नेक्स्ट यूज कर लेते हैं ग्रेटर देन। यहाँ ग्रेटर देन चेक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज भी चेंज कर लेते हैं ग्रेटर देन। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ मैसेज भी चेंज कर ले रहा हूँ लेस देन इक्वल टू, और एक और है ग्रेटर देन, ठीक है, तो उसको भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ मैसेज भी चेंज कर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। चलिए प्रोग्राम को सेव किए और यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं। तो देखिए आपको आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है। फर्स्ट मिल रहा है यहाँ ए और बी, देखिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो 10 20 इक्वल नहीं होता है तो अपने को मिला फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, मतलब ये चेक करता है कि इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 10 20 इक्वल नहीं होता है, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए हमको मिल रहा है ट्रू। सेकंड थर्ड देखिए यहाँ लिखा है ए लेस देन बी, तो 10 20 के लेस होता है, कंडीशन ट्रू हुआ हमको मिल रहा है ट्रू। वैसे ही नेक्स्ट देखिए ए ग्रेटर देन बी नहीं हो रहा है तो फॉल्स। ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए बी के इक्वल नहीं है बट लेस है, कंडीशन ट्रू हो रहा है इसलिए हमको आउटपुट में भी मिल रहा है ट्रू, ठीक है, इसको मैं और लार्ज कर देता हूँ। वैसे नेक्स्ट देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए बी से ग्रेटर है नहीं है, इक्वल है नहीं है, इसलिए हमको आउटपुट में मिल रहा है फॉल्स। देखिए मैं इसमें वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर दोनों की वैल्यू को इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए इसको सेव किए वापस से रीलोड करते हैं, तो देखिए अब आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है। ए बी के इक्वल होता है, देखिए 10 10 है, इक्वल है इसलिए हो गया ट्रू। इक्वल यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, तो इक्वल है इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है फॉल्स। लेस है क्या, नहीं होगा फॉल्स। ग्रेटर है क्या, नहीं होगा फॉल्स। तो ए बी से लेस या इक्वल है क्या, लेस नहीं है बट इक्वल है इसलिए आ रहा है ट्रू। ए बी से ग्रेटर या इक्वल है क्या, ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है इसलिए आ रहा है ट्रू। सो फ्रेंड्स ऐसे आप इन सभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वेरिएबल एक नया वेरिएबल क्रिएट किया हूँ, देन यहाँ पर हम लोग जो भी रिलेशन कंपैरिजन ऑपरेटर है वो परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट को एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट आउटपुट में भी इस डायरेक्ट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, आपको किसी दूसरे वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, इसके लिए आप जो यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर पास कर लीजिए, देखिए रिजल्ट, ठीक है, और इस वेरिएबल को यहाँ से हटा दीजिए। वैसे ही सेकेंड जो आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं इसको यहाँ से कट किए, देन यहाँ रिजल्ट में पेस्ट कर देते हैं। वैसे थर्ड यहाँ जो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ से कट किए, यहाँ पर पेस्ट। वैसे ही इसको यहाँ से कि हम लोग कट और यहाँ पर पेस्ट। नेक्स्ट इसको भी यहाँ से हम लोग कर देते हैं कट और यहाँ पर पेस्ट। और वैसे ही लास्ट है, इसको भी यहाँ से हम लोग किए कट और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। बाकी इन सभी जो जो हम लोग इतना यूज़ किए हैं वेरिएबल मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमको कोशिश यही करना चाहिए कि हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम लोग कम से कम सिस्टम मेमोरी का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को परफॉर्म टास्क को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। यहाँ देखिए केवल दो वेरिएबल है और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर जो भी टास्क है परफॉर्म करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो वो हम लोग को डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सेव किए और मैं इसको वापस से रीलोड करता हूँ। सो फ्रेंड्स बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको एक एक ऑपरेंड जो भी स्टेटमेंट है एक एक बार में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैं सारा स्टेटमेंट एक साथ लिख करके सिंगल लाइन में इसको रीलोड कर रहा हूँ तो आपको आउटपुट में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। देखिए सारा चीज़ हम गया कमेंट में। अब अगर आप चाहें तो एक एक स्टेटमेंट को एक बार में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे देखिए सेव किए रीलोड करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू बी कंडीशन हुआ हमारा ट्रू, ठीक है, दोनों एक दूसरे इक्वल होते हैं तो हमको मिल रहा है ट्रू, ठीक है। वैसे चलिए इसको कमेंट में डाला, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, वापस से सेव किए रीलोड, तो देखिए क्या आ रहा है फॉल्स, नॉट इक्वल टू होता है। तो वैसे ही आप सभी ऑपरेटर सभी स्टेटमेंट्स को अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट यूज करना है तो आप एक एक करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, देन सेव किए रीलोड, तो देखिए आपको क्या मिल रहा है फॉल्स। तो वैसे ही आप सारे ऑपरेटर्स को लाइन बाय लाइन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फॉल्स है ना, ऐसे आप सेम जैसे चाहे वैसा यूज कर सकते हैं,
ठीक है, ये डिफरेंट टाइप से आप चाहें तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैं बता रहा हूँ इसको आप आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोज को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।